से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्र साहब, द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुतकी और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो एक बड़ी मीटिंग की गई कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय द्वारा, जिसमें एक वन नेशन वन चार्जर की बात हुई और उसमें अलग अलग ग्रुप्स को बुलाया गया, आपकी भी संस्था थी, इनफैक्ट आप ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, क्या बातचीत हुई है, क्या निकल कर आया है, क्या हम भारत में इसे लागू करने जा रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर जी। हम जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है वो बहुत ही शार्पली इनोवेटिव इंडस्ट्री है और ये काम पिछले 20 साल से चल रहा है और मुझे बहुत हर्ष है बताने में आपको कि हमारा ब्रॉडली रैशनलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि हमारा जो टाइप सी जो है चार्जर वो ऑलमोस्ट सब जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें टाइप सी चार्जर आ गया है। 95% स्मार्टफोन्स उससे भी ज्यादा टाइप सी में है और जो माइक्रो यूएसबी है वो फीचर फोन्स में अब एक स्टैंडर्ड बन गया। तो ब्रॉडली दो चार्जर इस वक्त है हमारे और जो टाइप सी है वो फीचर फोन्स में नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बहुत कॉस्ट सेंसिटिव है प्रोडक्ट्स। यू नो इट्स लाइक जैसे एक मोटरसाइकिल है और एक साइकिल है, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स एक साइकिल के पार्ट्स में नहीं लग सकते, उस तरह का वो उसका सिनेरियो है। वो 1000 रुपए का है और स्मार्टफोन 5-6-7 हजार से ऊपर चलते हैं। तो ये तो बात हुई आपके मोबाइल फोन की। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लैपटॉप्स। लैपटॉप्स में कोई 10 टाइप के चार्जर्स हैं इस वक्त और मोस्टली ये जो पिन टाइप या राउंड टाइप चार्जर्स हैं इसमें, और टेबलेट्स में कुछ कुछ जो सी टाइप है वो यूज होना शुरू हो गया, यूएसबी टाइप सी यूज होना शुरू हो गया। उसके अलावा आपके पास है स्मार्ट वॉचेस हैं जिसका अलग टाइप का चार्जर है, और जो यूएसबी टाइप सी और माइक्रो यूएसबी है वो जो हाई कॉस्ट और डिवाइसेज हैं हेरेबल वेरेबल उसमें भी अडॉप्ट होना शुरू हो गया। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये कॉमन चार्जर नहीं होगा, कॉमन पोर्ट की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि चार्जर जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो हर कैपेसिटी में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसलिए वो एक कैनॉट बी वन चार्जर, इट कैन बी अ पोर्ट। तो उस तरफ की डायरेक्शन है। बट ईयू के अलावा जो बाकी, ईयू कोई 15% मार्केट है दुनिया की, बाकी जो 85% मार्केट है दुनिया की, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और फार ईस्ट, सारा जो सबसे बड़ी मार्केट है, चीन और जापान और कोरिया और ये सारे देश, वहां पे ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है जी, राइट? तो हम इंडिया एक बहुत बड़ा चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन भी है, तो हमें ये बहुत केयरफुली वे करना पड़ेगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट ना करें किसी भी हालत में, क्योंकि हमें जितने भी चार्जर बनते हैं दुनिया में वो हमें यहां आने चाहिए। हमारी जो एस्पिरेशन है कि 2 में से 1 चार्जर इंडिया में बनेगा जी, जी। और हम दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी चार्जर की एक्सपोर्ट वैसे भी काफी एग्रेसिव है अभी, ठीक है। हम चीन को भी चार्जर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, तो हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा। हमें इसमें ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए, केयरफुली, बहुत केयरफुली स्टडी करके जी जी हमें ये आगे, तो बिल्कुल उसके लिए एक जो 3 ग्रुप्स बनाने की बात हुई है वो आप सब लोगों से बातचीत करेगा और उसके बाद ही इसका कुछ समाधान या निराकरण या जो भी रूपरेखा वो तैयार की जाएगी। संदीप बुतकी साहब, वैसे तो ये जो पूरी मुहिम है वन नेशन वन चार्जर की, ये ई वेस्ट के लिहाज से है कि बहुत कचरा दुनिया में निकल रहा है, बड़े बड़े आंकड़े हैं, बड़ी बड़ी समिट्स में वो आंकड़े रखे जाते हैं कि ई वेस्ट बहुत इकट्ठा हो रहा है। तो एक तो ई वेस्ट का बिल्कुल प्रॉब्लम है, दूसरा ये बड़ा एक कंज्यूमर वाला मामला भी है कि उसको हर बार चार्जर पे, अब मोबाइल कंपनीज कई बार, अब कुछ कंपनियों ने तो चार्जर देने बंद कर दिए, आपको अलग से चार्जर खरीदने पड़ते हैं। अभी भी ये दिक्कत है कि बहुत अलग अलग कंपनियों के, एक तो पोर्ट की बात हो गई और फिर वो डिवाइस में कितना करंट जाना है, कितना नहीं जाना है, वो सब भी चीजें रहती हैं। तो डेफिनेटली एक कंज्यूमर के एंड पॉइंट पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एक ही तरह का चार्जर सारे फोन में काम करे।
बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट की बात अभी हाल ही में स्टार्टिंग हुई है, ये काफी टाइम से चल रही है। और सबसे पहला जो इकोसिस्टम है जिसपे इस चीज के बारे में बात हो रही थी, वो था एंड्रॉइड इकोसिस्टम। अगर हम बात कर लें ओवरऑल, अगर हम डिवाइसेस को डिवाइड कर दें, जितने भी आप हम और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिस टाइम देख रहे होंगे, ज्यादातर जो डिवाइसेज यूज कर रहे होंगे फीचर फोन कर रहे होंगे, एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइसेज यूज कर रहे होंगे, एप्पल इकोसिस्टम बेस्ड कर रहे होंगे, विंडोज इकोसिस्टम बेस्ड डिवाइसेस कर रहे होंगे। अब इसमें क्या हो रहा था कि अगर आप एंड्रॉइड इकोसिस्टम वाली डिवाइसेज यूज कर रहे थे, उसमें जब से मांग उठी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट, यानी कि भाई जो बेसिक चीजें हैं वो मुझे हर एक चीज में वही दीजिए, मतलब जैसे कि ऐसा ना हो कि अगर आप बॉक्स के अंदर एयरफोन दे रहे हैं तो कोई ऐसा एयरफोन दे रहा है तो बाहर वाला दे दो या वायरलेस दे दो, सिंपल सी चीज दे दो। वैसे ही पोर्ट को लेके बात हो रही थी। पोर्ट को लेके जैसे आपने पहला पॉइंट बोल चुके हैं कि ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी जर्नी में अगर बाय चांस उसने अपना चार्जर घर पे भूल गया है, कहीं और गया है और वहां पर भी एक एंड्रॉइड यूजर है, उसका चार्जर से उसकी गाड़ी चल पड़े, बेसिकली इस चीज की बात होती रहती थी। और यहां पर ये देखेंगे कि जो एंड्रॉइड इकोसिस्टम में थे, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर ब्रांड्स ने इस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं। इसके पीछे के कारण भी कंज्यूमर के लिए ही है। पहला कारण ये है कि जब आप टाइप सी यूज करने स्टार्ट कर दिया, आपकी चार्जिंग स्पीड बेटर होती है, नंबर वन। और आप देखेंगे कि मार्केट में जो भी लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है 70 वॉट का चार्जिंग दे रहा हूं, 110, 120, 130, अब तो 200 की भी बात चल रही है, ये सब टाइप सी पोर्ट की केबल के द्वारा मुमकिन है। सेकेंड थिंग इज जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है, जब आप मतलब बहुत सारी पिक्चरें खींचिए लैपटॉप पे अपना मोबाइल लगाकर पिक्चर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, केबल में जो माइक्रो यूएसबी केबल और टाइप सी केबल के कंपैरिजन में टाइप सी में डेटा ट्रांसफर रेट काफी फास्ट रहता है। लेकिन आप एंड्रॉइड वाले तो ठीक है, वो तो करेंगे क्योंकि एक ही इकोसिस्टम वाले के भैया, अगर सैमसंग ने किया शाओमी कहेगा मैं भी करूंगा, शाओमी ने किया तो ओप्पो कहेगा मैं भी करूंगा, कंज्यूमर करके आप लोग बेसिक चीज तो सेम रखो। फाइट होने वाली है एप्पल को लेके, क्योंकि एप्पल का जो पोर्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। और जब यू की में जो बात उठी थी, तब ऑफिशियली तो एप्पल ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा शायद, जो इनडायरेक्ट र्यूमर्स आ रहे थे कि शायद वो ये देख सकते हैं। और इस लिहाज में पूरे घटनाचक्र में इंडिया का रोल क्या आता है और इंडियन कंज्यूमर्स का क्या फर्क पड़ता है, वो ये पड़ता है कि इस टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट कंज्यूमर्स का इंडिया है। और इंडिया जो भी पॉलिसी अपनाता है वो वर्ल्ड पॉलिसी बन जाएगी। टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, लेकिन इधर से बाहर जाने के बाद उसके रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि कहां पर है। जी जी राइट। और आपने कहा कि सबसे ज्यादा इशू हो जाएगा एप्पल इकोसिस्टम वालों को। व्यान हमारे साथ है और इनफैक्ट एप्पल के ये भी फैन है, पर व्यान अभी आई थिंक ओवरऑल एप्पल की बात बहुत होती है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो उसके यूजर्स उतने नहीं है, कंपैरिजन में भी नहीं है जो इतने एंड्रॉयड यूजर्स है। लेकिन हाँ, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यूरोप का एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। संदीप जी ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है एप्पल की तरफ से, तो क्या एप्पल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगी और साथ में वो लोगों के लिए भी जो एप्पल के डिवाइसेस यूज करते हैं? वैसे डिफिकल्टी जरूर आएगी एप्पल वालों, मतलब जितने यूजर्स है। अब जो नए प्रोडक्ट्स भी आए एप्पल के, उसमें इन्होंने जैसे आईफोन है और मैकबुक एयर वन है जो M1 प्रोसेसर के साथ है, वो वी नीड, हमारे को दोनों को सेपरेट चार्जर चाहिए। पर जो आईपैड और मैकबुक आया है नया, उन दोनों में उन्होंने सेम निकाला है। मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में ये एक ही सिस्टम में अपग्रेड करेंगे एप्पल। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैं एज ए यूजर, मैं बहुत परेशान हो गया था, इतने सारे मेरे चार्जर बन गए थे इसके लिए, एप्पल वॉच के लिए, मैकबुक के लिए। तो मैंने एक बहुत अच्छा डिवाइस देखा जिसके अंदर जो पोर्ट की बात हुई थी, एक वायरलेस चार्जर आते हैं जिससे आपका पूरा एक ही सिस्टम, अब सारी चीजें चार्ज हो जाती है, आपका वॉच। हाँ, लेकिन बहुत स्लो होता है वियानो। वो जरूर स्लो होता है, बट उसमें एक और प्रॉब्लम ये है, वायरलेस तो टेक्नोलॉजी स्लो ही होगी, बिजली फास्ट ही होती है, बट उसमें ये भी होगा कि एंड्रॉइड वाले भी जो फोन है वो चार्ज हो जाते हैं, बट वो भी स्लो ही होंगे। और हर एक एंड्रॉइड में वो फीचर नहीं है वायरलेस चार्जिंग का। अब यही है कि एप्पल को डिफिकल्टी हो ये आएगा, बट अगर कंज्यूमर के वो देखेंगे, इंटरेस्ट डालेंगे, तो दे शुड अडैप्ट टू दिस, बट डिफिकल्टीज आएगी। मतलब ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि हम ई वेस्ट भी कम करेंगे और हमारी लाइफ भी आसान होगी। अब पंकज जी, क्योंकि ये चर्चा हुई है और आप चर्चा के में शामिल रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस चीज को लागू करने के लिए कि हम सिंगल चार्जर या जैसा आपने कहा कि सिंगल पोर्ट की तरफ बढ़े?
इसमें देखिए, मैंने सारे आपको बताए हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस हमारे पास है। कोई दुनिया में ईयू के अलावा कोई ऐसी चीज सोच नहीं रहा है, और कंज्यूमर बिहेवियर हमें स्टडी करना पड़ेगा कि आप अगर आपका ये कॉमन पोर्ट हो तो उससे ई वेस्ट कुछ कम होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास एक लैपटॉप है और एक मोबाइल फोन है, तो क्या आप उसका सेम चार्जर होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो वी विल नॉट बी रिड्यूसिंग द ई वेस्ट। सी टाइप चार्जर की जो पॉपुलैरिटी है वो उसके आर्किटेक्चर की वजह से है, एंड दैट इज व्हाई दिस वर्क ओवर लास्ट टू डिकेड जो हम इंडस्ट्री कर रही है उससे ये बहुत फायदा हुआ है कि रैशनलाइजेशन हुई। देखिए एप्पल जो है, एप्पल इज द क्रेडल ऑफ ऑल इनोवेशन। इनोवेशन आपकी आईओएस और एप्पल से शुरू होती है, और वो जो एफिशिएंट जो सिस्टम है, बिकॉज वो एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है, कोई 1.5-2% इंडिया में वॉल्यूम है जी, तो उनका एक कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम है। वो कंज्यूमर्स डिफरेंटली सोचते हैं, उनकी परचेजिंग, जैसे एप्पल अब चार्जर साथ में नहीं देता है बीइंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस, बट हमने कंज्यूमर्स से किसी से ये नहीं सुना कि उनको कोई इस चीज की तकलीफ हो रही है। तो वो बहुत ही इवॉल्व कंज्यूमर है, तो इसलिए वहां पे जो आईओएस का इकोसिस्टम है उसको हमें बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उसको इस जो कॉमन पोर्ट है उसमें हमें आई थिंक वी शुड नॉट इंक्लूड दैट इन द डिस्कशन ऑन द कॉमन पोर्ट। जी जी, तो यहां पर संदीप, वैसे तो एप्पल आधा 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 मान सकते हो, उन्होंने एक तरफ तो एक साइड पे तो टाइप सी लगा दिया, दूसरे साइड पे अभी भी वो लाइटनिंग पे अटके हुए हैं। खैर जो होगा होगा, लेकिन पंकज जी जो बात कह रहे हैं वो मुझे भी लग रही है, उस बात में दम है कि क्या सच में ई वेस्ट को रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए घर में चार अलग अलग तरीके के चार फोन है, अब चार लोग एट ए टाइम तो होंगे नहीं कि मैं एक ही जगह सुबह मैंने चार्ज कर लिया तो फिर दिन भर चल रहा है, चारों के पास अपने अपने चार्जर होंगे ही होंगे। अच्छा, फिर ये बात कही जा रही है कि आप फोन बदलेंगे चार्जर नहीं, लेकिन चार्जर तो आधी उम्र के होते हैं फोन के भी, एक फोन में तीन बार आपको नए चार्जर खरीदने पड़ जाते हैं, तो क्या ये बात भी ज्यादा प्रैक्टिकल लग नहीं रही मुझे कि आपका फोन तो खराब हो गया लेकिन चार्जर चले जा रहा है, आप अगला फोन लाए लेकिन चार्जर आपने नया नहीं लिया, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी पे मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, कैसे होगा ये? आपको डाउट है, मेरे को पूरा कंफ्यूजन होता है। जब भी हम लोग के पास नए डब्बे आते हैं फोन के, बहुत सारे ब्रांड्सों ने फोन में से अपना चार्जर तो गायब कर दिया, लेकिन जो फोन की रैपिंग है वो अभी भी प्लास्टिक में आ रही है। उसके अलावा आप फोन जब लेंगे तो आपको चार्जर, अगर बाय चांस आप पुराना फोन 3-4 साल से यूज कर रहे थे और उसके एक्सचेंज में आपने फोन लिया है, तो एक्सचेंज वाले तो चार्जर भी साथ में ले लेंगे, कहेंगे जो जो एवरीथिंग दैट वाज इन अ बॉक्स आप दीजिए, तभी आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगा, वरना सीधे सीधे चार्जर गायब हो गया, केबल गायब हो गई, बॉक्स गायब हो गया, 1-2 हजार रुपए तो ऐसे काट लेंगे वो लोग। तो अगर पूरी वसूली करनी है तो आपको देना है। और हर साल हम इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं चार्जर्स के, नए नए आते जा रहे हैं, सब मतलब हर एक ब्रांड्स ये भी कहते थे हमारे में ताबड़तोड़ चार्जिंग की स्पीड है, हम 100 कर गए, 120 कर गए, उसमें कोई हाईवे वाला लिमिट नहीं लगा है वहां पर कोई भी, तो इस हिसाब से चार्जर भी नए आ रहे हैं। कोई कहता है 15 मिनट फोन चार्ज कर देंगे, 10 मिनट में चार्ज कर देंगे जी। चार्जर्स तो गायब करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज लगता है, और साथ ही साथ ब्रांड्स ये भी कहते हैं कि हम इतनी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कहते कि हम कम में करेंगे, जो 15 हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो नहीं कहते, उसमें हमेशा बोलते हैं चार्जिंग, यानी कि नया चार्जर तो लोग लेंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट, उससे फायदा ये होगा कि लोग कहीं पर भी जाएंगे वो पोर्ट उन्हें इजिली मिल जाएगा, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, उनके ऑफिस में कुलीग्स हो, तो किसी का काम नहीं अटकेगा। ई वेस्ट में इसका कितना योगदान होगा वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट इस चीज से नहीं आ रहा है। बनस्बत इसके अलावा जो पुरानी डिवाइसेज है जिनका ढंग से हम हटा नहीं सकते हैं या उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा ई वेस्ट का खतरा है। बिल्कुल, मैं पंकज साहब यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, और आई थिंक आप उस बात को एड्रेस कर पाएंगे, कि उल्टी डिमांड ये होगी कंज्यूमर की तरफ से कि आप जो चार्जर है ना सर वो इतना मजबूत बनाए कि वो चले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में कंज्यूमर के साथ तो ये है कि उसका फोन तो चल जाता है फिर भी 2-3 साल, लेकिन जो चार्जर है वो 6 महीने में उसकी या तो वो कॉर्ड खराब हो जाती है या उसका बॉक्स खराब, मतलब वो जो आगे का सॉकेट है वो खराब हो जाता है। आई थिंक चार्जर अच्छी क्वालिटी रहे का होगा तो ई वेस्ट कम होगा। आप म्यूट पर हैं सर,
आई टेक दिस फीडबैक वेरी सीरियसली एंड इस पे हम पूरी रिसर्च करेंगे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत कंज्यूमर का ख्याल रखने वाली इंडस्ट्री है। तो या तो ये कोई बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड चार्जेस की आप बात कर रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं स्टैंडर्ड चार्जर्स की बात कर रहा हूं, मैं सबसे बेहतरीन सबसे महंगे फोनों के चार्जर्स की बात कर रहा हूं जिनको आप कितना भी संभाल के रख लीजिए लेकिन वो 6 महीने 8 महीने में या तो अगर आप उन्हें गोल घुमा के रख रहे हैं तो उनमें से ट्विचेस निकल आएंगे या उनका जो सॉकेट है उसमें इशू हो जाएगा। और ये देखिए संदीप बुधकी और व्यान दोनों भी इसमें गर्दन हिला रहे हैं जो बहुत सारे टेस्टिंग्स करते रहते हैं। उसके लिए भी एक्सेसरीज आती है। जब फैक्ट्री में ये बनते हैं तो एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, हर चीज उसमें टेस्ट होती है और जो आप डिस्ट्रेस टेस्ट हैं और जो टेंशन और कंप्रेशन के टेस्ट हैं वो भी सारे होते हैं और पूरा जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट है वो सारे होते हैं। इसका कट ऑफ होता है कि आप ऐसे खामखा चार्जिंग ना करते रहिए। तो चार्जर कोई इतना सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, काफी इवॉल्व टेक्नोलॉजी है। वो मैं समझा सर, लेकिन मेरा 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 जो कहना था वो चार्जर की केबल की मजबूती को लेकर था क्योंकि केबल उसका सबसे नाजुक पार्ट होता है और हम देखते हैं कि वक्त के साथ वो टैंगल्ड होके खराब हो जाती है और आपको डेफिनेटली, मेरा तो इतने सालों का अनुभव है कि चार्जर कई बार आपको लेने पड़ते हैं जबकि मैं चार्जर को संभाल के रखने वाले लोगों में हूं, ना कि उनका कहीं भी फेंक दिया कुछ भी करा। खैर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि क्या एक पोर्ट, कॉमन पोर्ट या सिंगल चार्जर को लेकर हम अपना इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे। ई वेस्ट एक लंबी कहानी है लेकिन वो भी अचीव होगी, पर क्या डे टू डे में आपकी और हमारी जिंदगी आसान होगी, चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है सबका चार्जर एक, यानी कि पूरे देश में एक ही तरह का चार्जर होगा चाहे मोबाइल फोन कोई भी हो, और यही बात गैजेट्स के लिए भी की जा रही है। बाकायदा इसके लिए सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई और अब एक कमेटी, इनफैक्ट 3 कमेटियां गठित की गई हैं जो अलग अलग इस पर अपने स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगी, राय लेंगी और अपनी एक रिपोर्ट देंगी। हमारी बातचीत चल रही थी तो व्यान एक पॉइंट है, चलिए मोबाइल्स की तो हमने बात की लेकिन अब जब बात हो रही है अलग अलग गैजेट्स की, अब आपने ही थोड़ी देर पहले कहा मैं स्मार्ट वॉच पहनता हूं तो अलग होता है, मैं ईयरबड्स लगाता हूं तो अलग होता है, वो क्योंकि अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, अब उनको किस तरीके से एक डिवाइस में आप चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल लैपटॉप ही ले लीजिए जो बात कह रहे थे पंकज जी की, शायद पॉसिबल नहीं दिख रहा इस समय, फोन का समझ में आता है लेकिन क्या गैजेट्स के लिए कॉमन चार्जर हो सकता है? मैं एप्पल से, मुझे जो लग रहा है भाई, एप्पल ने वापस से मैगसेफ लेकर आया है और टाइप सी भी, अपने लेटेस्ट एडिशन में टाइप सी भी है उनका वो चार्जिंग में। मुझे उम्मीद लग रही है थोड़ी बहुत कि शायद एप्पल उस इकोसिस्टम में आ जाए, सिर्फ टाइप सी जिसमें लैपटॉप आईपैड सारे चार्जर कर ले, वो मतलब सारे वॉच का तो टाइप वॉच थोड़ी प्रोबेबिलिटी लेस लगेगी, बट यू डोंट नो टेक्नोलॉजी, उनके पास सारी चीजें है, दे कैन एक्चुअली डू इट अगर वो चाहे तो, उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो मैन्युफैक्चरर है और प्रोडक्ट इनोवेशन में लीडर है, इफ दे वांट वो दे कैन मेक इट पॉसिबल, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, बट उनका पूरा जो आर्किटेक्चर है, मतलब सोच रहे हो जहां से प्रोडक्शन हो रही है सारी चीज पूरी चेंज होगी, बट अगर चाहे तो वो पॉसिबल है, बट हमारे लिए ठीक है। गॉट योर पॉइंट संदीप, अ क्विक रिमार्क। देखिए इसमें चेंजेस होने में ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हो जाएगा, अगर आप देखेंगे जो लाइटनिंग पोर्ट आप देखते हैं, लाइटनिंग पोर्ट में आपको नीचे दाने नजर आते हैं, वो लाइंस नजर आती हैं, बेसिकली वो कनेक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक से चार्जिंग होती है, एक से डेटा ट्रांसफर होता है और किसी और से कुछ ट्रांसफर होता है। वैसे टाइप सी का डिजाइन जो एलिमेंट होता है वो अंदर की साइड होता है, वो जो आप ओपनली पब्लिक आंख में नहीं दिखता है, तो आप जो पोर्ट में चेंज देखते हैं वो खाली आपकी केबल में चेंज नहीं होगी, वो हार्डवेयर में भी होगी, और दोनों चेंजेस का मतलब है एक कॉस्ट डालना। एंड्रॉइड इकोसिस्टम ने ऑलरेडी कॉस्ट डाल चुकी है, अब एप्पल ये करेगा कैसे करेगा, कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड होगा और जो चार्जर्स के पोर्ट है ये इसी साल नहीं बने होंगे तो पिछले साल के ही पड़े होंगे उनके पास, जो इस साल वो कंपोनेंट्स यूज होते हैं। और दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट्स की एक और चीज बता दूं मैं आपको, जैसे आप हेयरेबल्स एंड वेरेबल्स की बात कर रहे थे, जो आपके TWS वाले सेगमेंट है उसमें इस टाइम पे ऑलमोस्ट 50-60% TWS वो आ रहे हैं या इवन नेक बैंड्स जो आपका टाइप सी पोर्ट यूज कर रहे हैं और बाइक्री माइक्रो यूएसबी यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइप सी में आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम किस में आने वाली है, प्रॉब्लम आ रही है वेरिएबल्स में, क्योंकि वेरिएबल जो चार्जर्स होते हैं इस टाइम मार्केट में 2 पॉइंट कनेक्टर्स होते हैं बेसिकली। बेसिकली होता है आप वॉच के पीछे देखेंगे तो 2 छेद बने टाइप के बने होते हैं, उस पर कनेक्ट किया जाता है।
अब उसके लिए लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स बना के रखे, किसी ने हाफ प्लेट हाफ कप चार्जर लगा के रखा है जो ऐसे वॉच पे लगता है, किसी ने स्ट्रेट बत्ती देखे रखी है, किसी ने मैग्नेटिक देखे रखी है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना एक टेढ़ी थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम जाएगी जी। बिल्कुल, मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन पंकज जी लास्ट वर्ड, शुरुआत हो गई है, दो महीने में कमेटी की रिपोर्ट आएगी, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इसको हकीकत बनते बनते कितना वक्त लगेगा भारत में? नहीं, मैंने आपको बताया 20 साल से हम रैशनलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं और 99% ये काम हो चुका है। दो चार्जर्स जो हैं मोबाइल फोन में वो बल्क ऑफ द फोन्स को वही एड्रेस करते हैं, और कोई 1.5-2% की मार्केट के लिए हमें यूरोपियन यूनियन को एप करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 85% वर्ल्ड में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि वन नेशन वन चार्जर, ऐसा नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो आर फोकस शुड बी आर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट 1.5% ऑफ द मार्केट, जिसकी वजह से हम कोई रूल इम्पोज करें विच इज अननेसेसरी विच इज डिसरप्टिव। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो आप कमेटी क्योंकि बन गई है, आप सब लोगों से बातचीत होगी, आप विचार है जो आपने कहा यूरोप में भी हो रहा है, अब हिंदुस्तान में उसकी कितनी जरूरत है, किस तरीके से जरूरत है, क्या अलग अलग लोगों की उसमें राय आती है, आने वाले दिनों में वो सारी चीजें साफ होती जाएगी। लेकिन हाँ, एक विचार जरूर आ गया है जिसमें ई वेस्ट को लेकर भी कंसर्न है और दूसरी तरफ एक कंज्यूमर के लिए भी शायद वो कुछ हद तक एक ईज लेकर आएगा, जहां पर उसको अलग अलग डिवाइस या फोन के लिए एक ही टाइप का चार्जर या जैसे कहें पोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आगे क्या निकलकर आता है सबसे डिस्कस करने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या फैसले होंगे वो थोड़े दिन में फिर हम चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आज आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।